युग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर और अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने जिला महिला एवं बाल चिकित्सालय और कृषि उपज मंडी का किया दौरा और अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वहीं दूसरी ओर जिला मुख्यालय पर कोरोना जागरूकता को लेकर पानी के मटकों पर कोरोना का संदेश देने का चलाया जा रहा विशेष अभियान। वहीं शिक्षा बचाव संघर्ष समिति ने किया पत्रकार वार्ता का आयोजन। राज्य सरकार द्वारा मांगे नहीं माने जाने पर निजी स्कूल के कर्मचारियों द्वारा आंदोलन करने की दी चेतावनी। वहीं न्यायालय परिसर में कार्यरत एक महिला कर्मचारी आई कोरोना पॉजिटिव। आसपास के क्षेत्र को सैनिटाइज कर किया जीरो मोबिलिटी घोषित। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर और अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने जिला महिला एवं बाल चिकित्सालय और कृषि उपज मंडी का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इस दौरान जिला कलेक्टर के शर्मा ने जिला महिला बाल चिकित्सालय में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं किए जाने और मरीजों के परिजनों द्वारा मास्क नहीं लगाए जाने पर खासी नाराजगी प्रकट की। इस पर उन्होंने चिकित्सालय के PMO दिनेश वैष्णव और जयसिंह मीणा से कोरोना के बचाव के लिए नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश प्रदान किए। वहीं मुख्य सब्जी मंडी में भी नियमों की पालना नहीं किए जाने को लेकर उन्होंने मंडी सचिव को नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए निर्देशित किया। देखिए, आज जो दौरा करने का मुख्य उद्देश्य था कि कृषि उपज मंडी, रेलवे स्टेशन, प्राइवेट हॉस्पिटल है बिरला हॉस्पिटल को ये जनाना मैंने देखा है। उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क पहनने की और आपस में सैनिटाइज एक साथ करने की जो सावधानियाँ हैं वो बरत रहे हैं या नहीं बरत रहे हैं ये देखने का था। और डॉक्टर साहबान को इनको सबको ये निर्देश दिए और संस्था प्रधान को ये निर्देश दिए हैं कि ये इंश्योर करें कि लोग बाग सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, साबुन से हाथ बार बार धोएं और सैनिटाइजर का उपयोग करें। सावधानी ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है और मैंने पहले भी कई मरतबा आपको बताया है कि और लोगों से भी मैं अपील यही करता हूँ कि बचाव ही सबसे बड़ी उपाय था। हम जब तक आपके मास्क नहीं पहनेंगे, मुँह कवर करके नहीं रखेंगे, हाथ साबुन से बार बार नहीं धोएंगे, सामाजिक दूरी बना के नहीं रखेंगे, तब तक हमारी सुरक्षा नहीं है। तो लोगों से मेरी अपील यही है, जिलेवासियों से, शहरवासियों से, कि इन जो सावधानियां हैं, छोटी छोटी सावधानियां हैं, उनको स्वयं को ही बरतनी है और वो इसमें आगे आए और हमारा साथ। महिला एवं बाल चिकित्सालय में निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर के शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकेश कुमार कलाल, चिकित्सालय के PMO दिनेश वैष्णव, महिला एवं बाल चिकित्सालय प्रभारी जयसिंह मीणा सहित चिकित्सालय के नर्सिंग कर्मी भी मौजूद रहे। वहीं चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर कोरोना जागरूकता को लेकर कई प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं। महात्मा गांधी दर्शन समिति की ओर से पानी के मटकों पर कोरोना का संदेश देने के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें चित्तौड़गढ़ तहसीलदार भूपेंद्र सिंह, गांधी दर्शन समिति के गोपाल सालवी, वहीं कमलेश पोरवाल सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री गहलोत के पोस्टर विमोचन के साथ ही कोरोना संक्रमण न फैले इसके लिए मटकों पर जागृति के संदेश दिए गए, जिसमें मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना और लोगों को जागरूक करने के संदेश दिए गए। कोरोना जागरूकता जो फेज सेकंड वाले प्रोग्राम में हम जगह जगह जाके जागरूकता अभियान चल रहा है। आज इस जागरूकता अभियान के तहत हमने जो हमारे प्रजापति समाज के जो हमारे कार्यकर्ता हैं राम प्रसाद जी, इन्होंने मटकों के ऊपर जो मास्क और कोरोना जागरूकता के जो संदेश लिख के एक मैसेज पहुँचाए आम जन तक, इसमें सर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर इसे काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं और आज भी इसी फेज में आ रहे हैं हमारे जिला प्रशासन के श्रीमान तहसीलदार साहब हमारे ये भी आ रहे हैं और आज वहाँ पे पोस्टर का विमोचन भी करेंगे और ये मटकों के माध्यम से हम एक मैसेज देना चाहते हैं आम जन में कि किस प्रकार मतलब मटकों पर जो अलग अलग मैसेज इनके द्वारा लिखे गए तो इससे भी प्रचार का एक तरीका बढ़ेगा। वहीं शिक्षा बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति राजस्थान महासंघ की ओर से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए निजी विद्यालय समिति की मुख्य समन्वयक हेमलता शर्मा ने बताया कि इन दिनों कोरोना के कारण विद्यालयों के संचालकों पर दोहरी मार पड़ रही है और सरकार द्वारा अभिभावकों को स्कूल की फीस स्थगित करने के आदेश निकालने के बाद विद्यालय संचालकों की स्थिति और भी विकट हो गई है। वहीं शर्मा ने सरकार से निजी विद्यालय संचालकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग करते हुए कहा कि राजस्थान में अब तक 4 स्कूल संचालकों ने आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर ली है, स्थिति बहुत गंभीर है। उन्होंने बताया कि अगर राज्य सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो उन्हें मजबूरन आंदोलन की राह पकड़नी पड़ेगी। मुख्य समन्वयक हेमलता शर्मा ने अपने संबोधन में और क्या कुछ कहा,
आपको सुनाते हैं कि हम राजस्थान के तमाम संचालक और हमारे शिक्षक 11 लाख कर्मचारी आज सरकार की दोहरी नीति की वजह से हम सड़क पर आ चुके हैं। हमारे जीवन यापन की हमारे सामने प्रॉब्लम आ चुकी है। हम कई बार गुहार लगा चुके हैं सरकार से, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है और इस प्रकार की नीतियां हम पर थोप दी गई है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से परे जाके है, विच इज अ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, और हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अतः हमने ये तय किया है कि पूरे राजस्थान के 33 जिलों के तमाम स्कूलों के संगठन एक प्लेटफॉर्म पर आते हुए, तमाम शिक्षक एक प्लेटफॉर्म पर आते हुए, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है, हमारी जायज बातें नहीं मानती है, तो राजस्थान की धरा पर 11 लाख कर्मचारी उग्र आंदोलन करेंगे जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। हमारे नंबर एक कि उन्होंने जो तुगलकी फरमान जारी किया है कि जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे जब तक फीस नहीं ली जाएगी, तो हमारा एक हम्बल कमीशन है, अभिभावकों की पीड़ा हम भी जानते हैं, लेकिन जो सक्षम वर्ग है, जो सरकारी कर्मचारी है जिनका काम धंधा चल रहा है, वो फीस थोड़ी थोड़ी जमा कराएं। अन्य अभिभावक भी हम रिजिड नहीं है साहब, 12 महीने का दो, ये तो हमारे बीच दुश्मनी पैदा कर दी गई है, हम आपके बिना अधूरे हैं और शिक्षा, अच्छी एजुकेशन, शिक्षा स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों के बिना अधूरी है। अतः हम दोनों को सामंजस्य बनाना पड़ेगा। जो पीड़ा आपको है, जितना कोरोना आप पर हावी हुआ उतना कोरोना हम पर भी हावी है। अतः हम मिलकर एक सामंजस्य बनाते हुए आपसी सूझबूझ से हम ऐसा करें कि आप पर भी प्रभाव नहीं पड़े, बोझ नहीं पड़े और संचालकों का भी जीवन यापन हो सके, किसी संचालक को आत्महत्या करने की नौबत नहीं आए। इस पत्रकार वार्ता में संयोजक सीमा शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष कैलाश शर्मा, प्रकाश चेलावत, अरुण कुमावत, जयेश भटनागर, गुंजन गोठवाल, दिलीप पोखरना, बीएम राठी और आईएस अरोड़ा सहित कई निजी विद्यालयों के संस्थापक भी मौजूद रहे। वहीं चित्तौड़गढ़ के न्यायालय परिसर में कार्यरत कर्मचारियों की कोरोना की जांच के लिए सैंपल भेजे गए थे, जिसकी रिपोर्ट आने पर एक महिला कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद न्यायालय परिसर और महिला के निवास स्थान के आसपास के क्षेत्र को सैनिटाइज कर जीरो मोबिलिटी घोषित किया गया। पॉजिटिव आई महिला चित्तौड़गढ़ के प्रताप सेतु मार्ग स्थित रिद्धि सिद्धि कॉलोनी की निवासी है। महिला के परिवार के सभी सदस्यों को क्वारंटाइन किया गया है। वहीं मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंची और घर घर में सर्वे करवाए गए। वहीं न्यायालय परिसर को भी सैनिटाइज कराया गया है। अब पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम महिला के संपर्क में आए लोगों की तलाश में जुटी हुई है। एक महिला पॉजिटिव आई है, तो उसको जो भी साथ में जैसे किराएदार उनको भी लेके गए। भी कितने किराएदार को ले जाएगा? एक फैमिली है जो पति पत्नी, उसके दो बच्चे हैं। यहाँ जीरो मोबिलिटी लगेगी जी। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज युग। अगर आपने अभी तक हमारा न्यूज युग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको हमारे सभी रोचक और ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स लगातार मिलती रहे।